हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं संजय राउत साहब, हम उनसे बात करेंगे। सर, हाथरस में जो कुछ भी घटना हुआ, क्या लगता है कहाँ चूक हो गई है? देखिए, चूक तो सबसे होती है। सबसे पहली एडमिनिस्ट्रेशन की चूक है। इतनी भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई? लाखों लोग जमा होते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है भीड़ के ऊपर। कोई भी एक बाबा आता है, महाराज आता है, सत्संग के नाम पर भीड़ इकट्ठा करता है, गरीब बेचारे लोग वहाँ जमा होते हैं, उनको कोई सहारा नहीं है, उनको पानी नहीं है, धूप कड़ी धूप में बेचारे गिर जाते हैं, भगदड़ मचते हैं। इस प्रकार का हादसा महाराष्ट्र में भी हुआ है, हमने हमारे आंखों के सामने देखा है, अमित शाह जी के सामने हुआ है। क्या हुआ? वहाँ भी लोगों को छोड़ दिया, यहाँ भी छोड़ दिया। सर, लोकसभा चुनाव में तो महाराष्ट्र ने बिल्कुल हैरान कर दिया, आने वाले समय में विधानसभा वहाँ पर चुनाव भी है, क्या कुछ जीत रहे हैं? डेफिनेटली हम जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी। जो पुराने साथी गए उनमें से कुछ कोई नहीं, किसी को नहीं लेंगे, दरवाजे बंद है सबके लिए, दरवाजे सबके लिए दरवाजे। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए महाराष्ट्र के नेता संजय राउत साहब। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।